वेंचरीमीटर एक डिवाइस है जो क्या मेजर करता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। ये क्या होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड मेजर करता है किसी भी ट्यूब के अंदर या पाइप के अंदर। इमेजिन करो एक पाइप जा रही है यहां पे, और उस पाइप कोई वेरिएबल क्रॉस सेक्शन है उसमें, तो पानी की स्पीड कभी ज्यादा कभी ज्यादा कम हो रही है। तो एक स्टूडेंट आया, वो कहता है सर आप बता सकते हो कितना वॉल्यूम जा रहा है पर सेकेंड किसी पॉइंट में से। हाँ मैंने कहा बता सकता हूँ, कैसे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी। आंसर, वो कह रहे एरिया तो ट्यूब का मेजर कर लोगे स्केल से, डायमीटर या रेडियस, लेकिन मुझे ये नहीं पता पानी की वेलोसिटी क्या है। अब कैसे करोगे? तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास कोई तरीका ही नहीं, पहले मैं वेलोसिटी निकाल लूंगा। तो वेलोसिटी निकालने के लिए मैं वेंचरीमीटर लेके आऊंगा, वेंचरीमीटर लगाऊंगा उस पानी के ट्यूब में। कैसे? ये ट्यूब जा रही थी मान लो कभी कम कभी ज्यादा क्रॉस सेक्शन की, इसमें पानी जा रहा था बहुत तेज कभी ज्यादा कम क्रॉस सेक्शन में। वेंचरीमीटर की ट्यूब्स यहां फिट कर दूंगा सच दैट पानी सीधा जा रहा है, और यहां पर कोई डेंसिटी कोई लिक्विड ले लूंगा, चाहे वो मरकरी हो चाहे एल्कोहल हो कुछ भी। अब होगा क्या, जहां पर एरिया ज्यादा होगा, देखो इस क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू यहां पर ज्यादा है, तो यहां पर वेलोसिटी क्या होगी? कम होगी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, वेलोसिटी अगर यहां पे कम होगी तो प्रेशर यहां पर ज्यादा होगा, क्योंकि वेलोसिटी कम है काइनेटिक एनर्जी कम है लेकिन प्रेशर एनर्जी ज्यादा है। यहां पे एरिया की वैल्यू कम है तो वेलोसिटी की वैल्यू यहां पर ज्यादा है, वेलोसिटी अगर ज्यादा है तो प्रेशर यहां पर कम है, प्रेशर कम है यहां प्रेशर ज्यादा है तो प्रेशर का डिफरेंस लगेगा, और एल्कोहल या जो भी जो लिक्विड होगा जिसकी डेंसिटी रो एम है कुछ भी, ये लेवल्स में डिफरेंस शो करेगी, मान लो एच हाइट का डिफरेंस है। वैसे इस डिवाइस को पता है क्या बोलते हैं, ट्यूब लगा के प्रेशर मेजर करना, मैनोमीटर। मैनोमीटर देखने में ऐसा ही तो था, जिसको मैनोमीटर बोलते हैं, तभी तो वो कह रहा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड ऑफ मैनोमीटर, मैनोमीटर के अंदर जो भी डेंसिटी है वो पुट कर दो, एम फॉर मैनोमीटर है यहाँ पे। तो पॉइंट समझ में आया, मैनोमीटर लगाओ ट्यूब के अंदर बन गया वेंचरीमीटर, तो ट्यूब प्लस मैनोमीटर इज अ वेंचरीमीटर। तो ये कैसे काम करता है ये देखो, कुछ भी नहीं करना, पहली इक्वेशन इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो क्या कहती है, ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, फर्स्ट इक्वेशन। यहां से ए वन बाई ए टू वी टू बाई वी वन, क्लियर। फिर हम क्या लगाएंगे, दो वन और टू पॉइंट पे जहां एरिया कम या ज्यादा है वहां बर्नौलीज थ्योरम लगाते हैं। तो बर्नौलीज थ्योरम में वन पॉइंट पे और टू पॉइंट पे बर्नौलीज लगाई, ये बताओ इसमें डेंसिटी किसकी है, वो पिंक कलर के लिक्विड की रो एम या वाटर की? वाटर की। लिक्विड पाइप में जा रहा है उस पर लग रही है बर्नौली, उस मैनोमीटर के लिक्विड में नहीं लग रही, तो यहां पर डेंसिटी वाटर की। तो यहां से पी वन माइनस पी टू आ गया, P1 माइनस P2 में से इस टर्म में से V1 स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो यहां से V1 स्क्वायर कॉमन आएगा तो क्या बनेगा, V2 स्क्वायर बाय V1 स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपके पास आ गया प्रेशर का डिफरेंस आ गया, लेकिन आपको पता है V2 बाय V1 की वैल्यू क्या है, A1 बाय A2, तो V2 बाय V1 की जगह A1 बाय A2 LCM लेके ही आंसर आ गया। तो ये क्या आ गया, प्रेशर का डिफरेंस आ गया। पर प्रेशर का डिफरेंस अब यहां से निकाल सकते हो, लिक्विड जो है उसमें हाइट का डिफरेंस क्या h है, तो प्रेशर डिफरेंस क्या है h रो जी, लेकिन यहां पर डेंसिटी किसकी है, लिक्विड की ऑफ मैनोमीटर, जो भी उसमें लिक्विड होगा। यहां पे डेंसिटी किसकी चल रही है, वाटर की। यहां पे डेंसिटी किसकी चल रही है, लिक्विड की। तो प्रेशर डिफरेंस हमने निकाला p1 माइनस p2, उसकी जगह h रो जी पुट कर देते हैं ये रहा। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके v1 वेलोसिटी निकाल लेते हैं, फिर वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड क्या होता है a1 v1, तो A1 को V1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये फॉर्मूला बन गया वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड का वेंचरीमीटर में। कई बार तो ऑब्जेक्टिव में ये फॉर्मूला मार्क करने को आ जाता है, तो कई लोग पहचान नहीं और वो नाम नहीं लेगा वेंचरीमीटर, कहेगा एक पाइप है, पाइप में यू शेप कोई ट्यूब लगा दी और बताओ वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड क्या है, और ऑप्शन नहीं ये देगा। और अगर मान लो जो लिक्विड है पिंक कलर का जो लिक्विड है और जो वाटर है वो सेम डेंसिटी के हैं, ऐसा भी तो कर सकता है ना, जरूरी थोड़ा है कि मरकरी होगी, क्या पता ये भी पानी डाल दे इसमें। तो अगर दोनों लिक्विड की डेंसिटी सेम है तो ऐसे केस में ये और ये डेंसिटी आपस में क्या हो जाएगी, कैंसल, और वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड का फॉर्मूला पता है क्या होगा, ए वन इंटू ए टू अंडर रूट ऑफ टू एच जी डिवाइडेड बाय रो ए वन स्क्वायर माइनस ए टू, ये होगा ये आंसर। मैंने ऑब्जेक्टिव बुक्स में ये ऑप्शन मार्क करता देखा है, अगर डेंसिटी सेम होगी तो।
लिक्विड कोई भी डाल दो ना, मरकरी डालो, एल्कोहल डालो, वाटर डाल दो, क्या होगा? अच्छा नहीं आ रही, अच्छा नहीं आ रही, कैसे ही? गलत है कैलकुलेशन? मैं काट के आंसर लिख रहा हूँ, बचा हुआ। अच्छा ठीक है, कट जाएगी, ओके ठीक है। डेंसिटी कट करने को बोला था, शहर रह गई होगी, डेंसिटी डेंसिटी कट जाएगी, राइट, सही है। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? तो डेंसिटी को काट देना। अब वो ना पढ़ना पड़ेगा लिक्विड की डेंसिटी सेम है कि डिफरेंट है। वैसे बता देता हूँ, ज़्यादातर वो सेम रखता है। सेम रखने के बाद ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन मार्क करने को कहता है। तो ये क्लियर है? जैसे ये क्वेश्चन आएगा, हॉरिजॉन्टल ट्यूब हैज़ अ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया एट पॉइंट ए एंड बी। ए और बी पे डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। डायमीटर ऑफ ए गिवन है, ए का डायमीटर गिवन है, वहां से इसका एरिया आ गया ए वन, एंड बी का डायमीटर गिवन है, तो वहां से रेडियस आ गया, वहां से एरिया भी आ गया। नेक्स्ट है, टू मैनोमीटर लिम्स आर अटैच्ड एट ए एंड बी। तो ए और बी के ऊपर मैनोमीटर टांग दिया। व्हेन लिक्विड ऑफ डेंसिटी 8 ग्राम पर सेंटीमीटर की फ्लोस थ्रू द ट्यूब, तो लिक्विड की डेंसिटी भी दे रहे, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लिम्स इज 8 सेंटीमीटर, तो लिक्विड का जो लेवल है वो 8 सेंटीमीटर पे आ गया मैनोमीटर में। एच गिवन है 8 सेंटीमीटर, क्या निकालना है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। देखो इसमें फॉर्मूला यूज कर सकते हो। उसने लिक्विड के एक ही डेंसिटी मेंशन किया, उसने ये नहीं कहा कि दो दो लिक्विड है, उसने कहा लिक्विड की डेंसिटी है, बात खत्म, चाहे वो फ्लो करे चाहे वो मैनोमीटर में हो। तो इसलिए डेंसिटी डेंसिटी कट गई, तो आपके पास बस ये आंसर आ गया। अब आप कहेंगे इससे ये फॉर्मूला याद कर लें, यार मेरे को ये फॉर्मूला सच कहूँ याद ही नहीं है। मेरे को कोई क्वेश्चन देगा ना बेंचोनीमीटर का या इस टाइप का, मैं पहली लगाऊंगा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी और दूसरी लगाऊंगा बर्नौलीज थ्योरम, वहां से वी वन निकाल लूंगा, फिर ए वन वी वन से आंसर निकाल लूंगा। आप याद कर सकते हो, बिल्कुल याद कर लो, आपका स्टेप बचता है, आपका टाइम बचता है, आप याद कर सकते हो, फॉर्मूला लिख लो, आपकी बुक्स में मेंशन है फॉर्मूला। पर नहीं याद रहा बाई चांस, तो एटलीस्ट आप अपने इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। मेथड आपको मैंने बता दिया करना क्या है। क्लियर है यहां तक?